भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष राजकुमार तोमर ने किया बहुत ही सराहनीय कार्य। थर्मल स्कैनिंग मशीन और 200 मास्क देकर सीएससी बलदेव प्रभारी डॉक्टर विजेंद्र सिंह सिसोदिया को कोरोना स्वास्थ्य परीक्षण में आ रही दिक्कतों को देखते हुए किया गया कार्य। क्षेत्रीय लोगों ने भारतीय किसान यूनियन जिला अध्यक्ष के इस कार्य की प्रशंसा की। साथ ही सीएससी प्रभारी डॉक्टर विजेंद्र सिंह सिसोदिया ने भी बहुत ही आभार जताया। आज हमने हमारे सीएससी प्रभारी हैं डॉक्टर सिसोदिया जी, इनको एक स्कैनर मशीन भेंट की है और जो है कुछ मास्क हैं 200 के करीब वो भेंट किए हैं। हमें लगा कि हमारे क्षेत्र में इन उपकरणों की कमी है और जो कि जिला प्रशासन की तरफ से मुहैया नहीं कराया गया है, तो भारतीय किसान यूनियन की तरफ से इनको दिया गया है और ये क्षेत्र में बहुत अच्छे तेज़ी से कार्य कर रहे हैं। इन्होंने अभी तक करीबन 2000 मरीजों की स्कैनिंग कर दी है। आज श्री राजकुमार तोमर जी हमारे बाकियों के बलदेव के अध्यक्ष जी द्वारा हमें थर्मामीटर दिया गया है। मरीजों के इलाज के संबंध में जो हमारी आरआरटी टीम बलदेव क्षेत्र में कार्यरत है उनको सुविधा दी गई है और इसी के साथ में हमें लगभग 200 के आसपास हाथ से बने हुए भाभी जी के द्वारा जो मास्क बने हुए हैं घर में उनको मरीजों के हेतु और स्टाफ के हेतु दिया गया है। मैं राजकुमार जी तोमर साहब का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और इसी के साथ मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ कि वो आगे जीवन में आगे बढ़ें और समाज सेवा में अपनी अग्रिम भूमिका निभाएं। धन्यवाद। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।